हत्या? कुछ पता नहीं चला? दो दिन हो गए हैं, मेरी बच्ची कहाँ है कुछ पता नहीं। कैसी होगी, किस हाल में होगी? अंत रहा तुम्हें। कब कहाँ होगी? क्या उसी के साथ होगी? बहुत प्यार करती ना तुम्हारी बच्ची उस लड़के के साथ। विजया, तूने ठीक नहीं किया। आप गुस्सा मत होइए, आखिर हमारी ही बेटी है ना, थोड़ा शांत हो जाइए। शांत कसा रहा है चल? मायके का किसके साथ भागी है वो? अरे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के साथ भागी है। उस भाव के परिवार के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, और उस लड़के ने एक पल में मुझे नीचा दिखा दिया, मार दी मुझे, मैंने अपनी सोलन। अरे गर्व था मुझे उस पर, गर्व था। ना कपला पोरी ना, उस लड़के ने सिर्फ मेरे लड़के नहीं, मेरी इज्जत भी छीन ली है। मैं छोड़ना नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं बोला था मैं उसको मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दे, अपने खून का असली रंग दिखा दिया उसने, मगर अब खून बहेगा, खून। उसे काट काट के नदी में फेंक दूंगा मैं। काळजी करू नको, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार इमोशनल व्हाईची वेळ नाहीये ही, चलो चलो जल्दी करो। अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, बस आप दोनों अपना ख्याल रखना। थैंक्स यार सूर्य, तुमने इतना सब कुछ किया, खर्च खूब थैंक्स। बस क्या यार, हाँ थैंक्स। अरे अपनी भी बारी आएगी यार। सूर्य तूने दो दिन तक अपने काका के घर रखा तो बचे, वरना अब तक तो। अरे काने करना यार, दोस्त यार अपन, और वैसे भी ये एड़ा थैंक यू बोल के गाली देता है, अरे आता तू पण। और सुनो जिधर भी जाओगे मुझे कॉल या मैसेज करते रहना, ओके? यस बॉस। और हाँ ये ले सूर्य, ये क्या है? असुदे ठेव लागतील। सूर्य तुझे हे उपकार मी। अरे उपकार 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 ये सोनाली सांगायला, नाहीतर हा मार खायला था कॉलेज जैसा। सगळं ठीक होईल, सब मस्त हो जाएगा। सब ठीक हो गया ना तो गोवा जाके पार्टी करेंगे, मैं सब संभालूंगा, अभी आप निकलो चलो। बोलो गाँव का लगता है तना माहित पड़ लगी का है। तुम्ही तिकडून जा, निकल इधर, चलो 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 निकलो इधर से निकलो। ढूंढो रे इधर ही किधर होंगे। कौन है आप लोग, क्या बची तुम्हारा? वो लड़का लड़की किधर है, बोलने का जल्दी। लड़का लड़की? कौन लड़का लड़की, किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ कुड़ी नहीं है तो। नाटक कर रहे ना तू? आई आई को आप उनको सब मालूम है कि तूने उन दोनों को इधर ही किधर छुपाया है ना? बोल जल्दी किधर है वो दोनों, किधर है? नहीं मुझे नहीं पता। भाव घर को नहीं है? हाँ शायद भाग गए। भाग गए कोई बात नहीं, वो लोग जास्ती दूर नहीं गए होंगे। तुम इसको लेकर जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ, चलो चल। वो रहे दोनों, पीछा करो इनका, भागने ना पाए ये लोग। किसी भी हालत में जाने नहीं चाहिए ये लोग,
चल जल्दी भगा 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 चलो फास्ट। कहाँ गए? अरे गायब हो गए वो लोग, अभी तो सामने ही थे। चल जल्दी चल, वो रहे वो लोग, वो रहे वो लोग, भगा। रुक 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 रुक। कहाँ गए ये लोग, किधर गए? लगता है गायब हो गए। चलो राम तू नको जाओ तिकडे, काय चालू कर बोलली आई। बोल बेटा बोल, किधर है वो दोनों, किधर है? तेरे बाप की आज तक हिम्मत नहीं हुई हमसे आंख उठाकर बात करने की, पर तू तू तो बड़ा शूरवीर निकला रे। चल सांग तो का। ओके सॉरी, ओके ओके ओके, तू घबरा मत, बिल्कुल घबरा मत। हाँ मुझे बस इतना बता कि तूने उन दोनों को भागने में मदद की या नहीं। आई शपथ संग तो छोड़ दूंगा, तुझे कुछ नहीं करूंगा। बोल बोल। अरे बोल ना। वो मेरे उन लोगों को अपने काका के घर में छुपाया था, पर किधर गए? देवा शपथ संग तो मैंने खर्च मैं इतने आई शपथ खोटा नहीं बोले था। माइट ने मारो ना कभी करा बोलता है। ये देख अभी के अभी अगर मुंह नहीं खोला ना तूने तो क्या कर रहे हो आप लोग? कोई तो रोको ही नहीं, अता बस करा बस करा अता बस करा। टांग है ना टांग, तंगड़ी, उसे काट के तेरे घर पे पार्सल कर दूंगा, वो भी पेटी पैक। नहीं याद नहीं? वो दोनों जेडी बस स्टैंड पे गए, वो आज ही प्यार छोड़ के जाने वाले हैं। जेडी बस स्टैंड पर बैठते थे थोड़ा बना। जेडी बस स्टैंड काय ऋषि, जो आज तक हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे आज वही हमें मारना चाहते हैं। अगर इन लोगों के हाथों में लग गए तो ये लोग तो हमें यही मार डालेंगे। लवकरस ने कहला भाई तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा हमें, आज बच जाएंगे। लेकिन कल उदय सका है, हमें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। लेकिन ये लोग थकने वाले नहीं, पीछे आएंगे मागे लागना रच। बचना तो हमें पड़ेगा ऋषि, क्योंकि इन लोगों के सामने ऐसे हार नहीं मान सकते हम। कळला तुला? इथे बघ माझ्याकडे। माहित नाही सीट मिळेल की नाही, पुढे वा लवकर चला। ओह मावशी गप्प करा ना, त्याला किती गोंगाट लावलाय। मग तू पकड की। हो भाई साहब ये बैग आपने यहाँ से यहाँ क्यों रखा? उठिए चलिए, मैंने सीट पकड़ा था। ये
अरे ऐसा कैसे जाने, मैंने सीट पकड़ी है। एक बार निकल जाए यहाँ से बस, सर नीचे रख, कोई देख लेगा, अपन बस। आप लोग कहाँ तक जा रहे हो? हम एक रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, एक फंक्शन अटेंड करना है। ये आपके? ये मेरे पति है। अच्छा, अभी ही शादी हुई है हमारी। अरे जान मुझे थोड़ी केला, अरे सॉरी बोलो ना, देखो मैं जब भागने को कहूँ तब भागने के लिए तैयार रहना। दादागिरी कर जाएगा। उतारू क्या? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की तूने? हे पंगा, तेरे घर पे आने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है, समझा क्या? पहले ये बोल, मेरा बेटा किधर को है पास? ए विजय भाऊ, तेरे को आज नहीं जानता मैं, तू देखने आया ना मेरी वाट कैसे लगी है? अपने बेटे को बोल के मेरी बच्ची को भगाया तूने, और अबे फालतू नाटक कर रहा इधर। भगवान खैन, तू बस सगाना भगवान खैन में। आप झूठ बोल रहे हो प्रमोद काका, आप ही ने हमारे दोस्त सुरेश को बहुत मारा है, माहिती है हमारा। वो लड़का इसमें पढ़ा क्यों पहले? तू क्या? तू दोस्त है ना सोनाली की? तू ही उसको बोल रही है भाग इधर से। कब कुमार निगाह से गड़ोन गड़ला ना, नहीं तो कायरे नेता ने। इधर बोल, इधर पम्या मेरे से बात कर। मुझे पता है तूने कुछ दिन पहले अपने गुंडे भेजे थे मेरे बेटे ऋषि को मारने के लिए, आज भी तेरे पंटर लोग उसके पीछे है। भागे मेरे बेटे को इतना भी टच हुआ ना तो तेरी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी, याद रख। मेरी बेटी का नाम मत लेना, और बोलते अपने लड़के को दो घंटे के अंदर मेरी बच्ची घर पे नहीं आए ना तो तेरे लड़के के टुकड़े टुकड़े करके तेरे खेतों में गाड़ दूंगा खंडोली। ए पम्या, आज अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो याद रख तेरा पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं। भगत तू आज तू खानौली कर दो कि मैं होली कर दो। अरे क्या क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो आदमी बस में किसी को ढूंढ रहा था और फिर अचानक से नीचे गिर गया। इस आदमी के साथ कोई और भी था? हाँ सर, अजून एक मानुष था उसके साथ। कौन? सर वो दोनों शायद उस लड़का लड़की को पकड़ने के लिए आए थे सर। नमस्कार सर, तो मैं बताता हूँ, मैं इधर का ही हूँ ना। वो क्या है, वो दोनों आदमी वो लड़का लड़की की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो लड़का लड़की है ना वो पीछे लाश वाली सीट पर बैठे थे। हाँ, वो थोड़ा आगे आया लड़का और ढप करके नीचे गिर गया, और उसके साथ और एक आदमी था वो है ना, वो लड़का लड़की के पीछे भाग गया। एक वो दोनों लड़का लड़की कैसे भागे, किधर से थे? सर वो पीछे वाली खिड़की से, इमरजेंसी एग्जिट। क्यों क्यों पीछा कर रहा होगा? सर प्रेम प्रकरण अचनार बहुते, मुझे उस लड़की ने बताया कि उसके साथ जो लड़का है ना वो उसका पति है, पर सर दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो लड़का है ना बार बार उस लड़की को सोनाली सोनाली करके बोल रहा था। अच्छा, आप में से किसी और ने कुछ देखा?
वो आदमी कैसे गिरा या? सर वो क्या है ना, वो लड़के के ऊपर एक ट्रंक गिर गया था। हाँ। ट्रंक? हाँ साहब। उसके ऊपर गिर गया? जी जी। ट्रंक गिरने के कितने देर बाद ये आदमी मर गया? सर ट्रंक गिरने के तुरंत बाद। तो आप लोगों ने उस लड़का लड़की को और उस आदमी को भी देखा था जो उनका पीछा कर रहा था, तो हमारे लिए उन तीनों का भी स्केच बनवाओ। साहब। अच्छा जिस आदमी का वो ट्रंक गिरा था वो आदमी कहाँ है? सर शायद वो चला गया। भाग गया। बॉस इसका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है, अभी इसे जहर दिया गया है। अभी जहर दिया मतलब जिसने भी जहर दिया वो इसी बस में था। और ये देखो बॉस, इसे जहर यहाँ से दिया गया। सर ट्रंक गिरने से पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे ही ट्रंक गिरा मर गया। मतलब ट्रंक गिरने की आड़ में किसी ने इंजेक्शन दिया इसे जहर वाला। सबूत इकट्ठा करने के लिए इस बस को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर जिस आदमी का ट्रंक गिरा था वो आदमी गायब है, खूनी वो भी हो सकता है। जैसे कि लोगों ने बताया कि वो दोनों किसी और बस में भाग गए, हो सकता है उनके पीछे जो आदमी गया है वो भी किसी और बस में उनका पीछा कर रहा हूँ। पता लगाना पड़ेगा वो दूसरी बस कौन सी थी, कहाँ गई। तेरी बहन आ रही है ना? हाँ वो इधर ही बोली आने को, आती ही होगी। वहां देखते हैं। हे सोनल, कशेस तू? तू कशेस? मस्त। ये मेरा फ्रेंड है अशोक। तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। अनि भाऊ तुम लोग यहाँ से जास्ती वेळ रुक नहीं सकते, चला आता। चलो। अरे नमस्कार भाऊ। सुनो, आज रात तुम दोनों को यही रुकना होगा, कल सुबह कहीं सेफ जगह लेके जाएंगे। अभी आराम करना, मैं यानी अशोक का इतनी खायला घेऊन येतो तुमच्यासाठी। मस्त आराम करा, चल फिर। मित्रा थैंक यू। बस काय भाऊ, कल बाय। आलोच पटकन। Thank you.
आज सुबह जो भी हुआ बस मैं उससे मैं डर गया था। आई एम सॉरी सोनाली, मैंने तेरी जान खतरे में डाल दी, प्लीज मला माफ कर। ए वेड़ू, तुम्हारी भी तो जान जा सकती थी ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? घर से साथ भागने का फैसला हम दोनों का था, पूरा पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला भी हम दोनों का था, और अगर मर भी गए ना तो साथ मरने का भी फैसला हम दोनों का ही होगा। मैं तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा सोनाली, तुझे शपथ। बस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसे किसने भेजा था हमें पता चल गया, उसे भेजा था तुमने। मालूम तो था कि इसी का काम है, इसी ने गुंडे भेजे होंगे मेरे बेटे को मारने के वास्ते। ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैंने मेरे आदमी को सिर्फ मेरी बेटी को वापस लाने के लिए भेजा था, उस लड़के को मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा। मैं खर्च सकता सर, खर्च सकता। तुम्हारा एक आदमी अभी भी ऋषि और सोनाली के पीछे पड़ा है, उसको कॉल करो और वापस बुलवाओ। सर मैं मेरे आदमी को 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है, पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पे है। पता नहीं इस वक्त कहाँ है। तुम्हारे ऐसे करने से खुद की बेटी की जान को खतरे में डाल दिया है तुमने, कभी सोचा था क्या आजकल कान डाल ली होती तुम्हें? आप लोग ऋषि और सोनाली के दोस्त हो ना? हाँ। आप लोगों को कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे? सर ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन हाँ ऋषि और सोनाली ने एक नया सिम कार्ड लिया था और कह रहे थे कि वो शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। सर लेकिन वो कहाँ जाने वाले थे ये नहीं बताया हमें। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, कहाँ पे? ओके थैंक यू वेरी मच सर। ये सोनाली और ऋषि बिंदलपुर में देखे गए हैं। बिंदलपुर? राम राम। इन दोनों को देखा है क्या कहीं? देखा तो है, पंथा लगा दादा। काय नहीं, ये लड़की बहन है मेरी, और इस लड़के ने झूठ मूठ बोल के उसको भगा के लाया है। ऐसा है क्या? हाँ। ये लोग इधर एसटी बस से उतरे हाँ। और उधर चले गए इधर। हाँ बरा धन्यवाद। हाँ या दादा, राम राम। राम राम। इन दोनों को देखा है क्या कहीं आपने? नहीं वो नहीं नहीं। तुम लोग अभी फटाफट खा लो। सुनो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसे पार कर लोगे ना तो फिर तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा। खा लो। गुंडे यहाँ पहुंच गए। वो यहाँ तक पहुंच गए, अब हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे अब। एक मिनट जरा इधर आइए प्लीज। अरे भाई साहब जरा देखना, इन दोनों को देखा है आपने यहाँ पे? आओ बगितला की, ये लड़का और लड़की को आज ही मैंने यहाँ से स्टॉप से जाते समय देखा, काफी घबराए हुए थे साहब, ये पहली बार यहाँ पे गांव में नहीं दिखे। हाँ क्या बात क्या है साहब, क्या है?
कमलच झाले. तो माणूस पण लड़का लड़की के बारे में पूछ रहा था. कौन कौन पूछ रहा था? लंबा ऐसा हल्का का दाढ़ी था. सर ये जो हुलिया बता रहा है उसके हिसाब से तो ये वही गुंडा हो सकता है. वही होगा. इसके पहले कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाए हमें उन्हें पकड़ना होगा. सर पूरा गांव छान मारते. चलो साहब गांव वो छोटा है. अगर किसी के घर में होते तो हमको पहले पता चलता है. अगर वो किसी के घर पे नहीं गया यहाँ पे तो फिर यहाँ पर आए क्यों थे? या फिर किसी ऐसे जगह पे छुप के बैठे होंगे जिसके बारे में गांव वालों को भी पता ना हो. अरे यार गांव में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या कम आता जाता हो? साहब गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है. चलो दिखाओ वो जगह. ठीक है सर. भाव चलो कर या लो कर. ओहो या साहब चला. साहब यही है वो पुरानी झोपड़ी. तुम यही रुको. जी साहब. दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है. सर दरवाजा ना खुले इसलिए सारी चीजें दरवाजे पर लगाई. सोनाली और ऋषि लगता यहीं पे थे. गोली फंसी हुई है. उसने उन दोनों को मारने की कोशिश तो की है. इधर देखते हैं. कौन है आप लोग? मैं अशोक और ये पायल. उसने हमको मारा. उसके हाथ में बंदूक थी. उसने हमारी खयाल कर दी. ऋषि और सोनाली कहाँ? वो दोनों भाग गए. उनके पीछे वो गुंडा भी गया. किस तरफ गया कुछ याद है? उस तरफ. आइए संभाल के. ये तो वो बस वाला गुंडा है. मर चुका है. यही था वो? हाँ सर ये वो ही गुंडा है. कमाल है. या हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दो लोग सोनाली और ऋषि के पीछे पड़े थे और एक एक करके दोनों मारे गए. एक बात समझ में नहीं आ रही. इस आदमी को कैसे पता चला कि सोनाली और ऋषि इस गांव में छुपे हुए हैं उस झोपड़े में? तुम लोगों ने किसी को बताया? नहीं सर ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी. इस जगह के बारे में अशोक और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था. क्यों तुमने किसी को बताया? मैंने उसको इधर लाया था साहब. ओ भाऊ राम राम. राम राम. इन दोनों को कहीं देखा है क्या गांव में? नहीं. जरा याद करके देखो ना कहीं इधर उधर गांव में घूमते हुए देखा होगा. नहीं 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 भाई. देखो पता है तो बता दो. 20,000 रुपये दूंगा. पता है ना? पता है. बग भाऊ मी आता तिकडेच चाललो आहे. लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए. वो खेत में वो झोपड़ी दिख रही है. हाँ वही है. वो मेरे को तब मिला जब मैं गांव के बाहर खाना लाने गया था साहब. और दोनों के बदले 20,000 रुपये का फायदे का बात किया साहब. साहब चुकी जाली साहब. इस गुंडे का फोन नंबर दो समझे? पंकज उस फोन नंबर की सारी डिटेल्स निकालो.
पता करते हैं उसने किस किस से फोन पे बात की थी और कौन है इन सब के पीछे। ऋषि, ऋषि मैं और नहीं भाग सकती, मैं आज ना ही पड़ सकती। हमें भागना पड़ेगा वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। ऋषि ये लोग हमें नहीं मारने आए, ये तुझे मारने आए। इन्हें मेरे पापा ने भेजा है तुझे मारने के लिए, इसलिए तू जा यहाँ से, तू पढ़ ही तू। नहीं सोनाली, हम लोगों ने साथ रहने की कसम खाई, इसलिए मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने पापा और अंकल दोनों को कॉल करता हूँ, दोस्तों को भी कॉल करता हूँ। क्या? ए चला 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 चला, ऋषि की जान खतरे में है, इसका मेरे को फोन आया था। चला चला चला, लौकर चला लौकर, चला चला चला। ठीक तो है? दीपक, हम लोग यहाँ आतों के लिंक करना क्या है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता। तुम लोग ठीक हो? बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं? बेटा तू बड़ा है इसका। घबराने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो। और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है। जानना चाहते हो खूनी कौन है? अरे चाचा जी आप, तो ये आपका प्लान था क्या? करें वो जो रात में खेत में गुंडे का खून हुआ था ना, उसके मोबाइल फोन से हमें आपका पता चल गया। तुमने ये सब करवाया था? रुक जाओ चाचा, गोली लग जाएगी। चाचा जी हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। मैं ऋषि को अपने रास्ते से निकालना चाहता था, क्योंकि उसके पास भाई की सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम पर हो जाता। जैसे मुझे पता चला कि ऋषि और सोनाली घर से भाग गए, तभी मैंने ये प्लान बनाया। अच्छा प्लान बनाया था। अगर तुम ऋषि का खून करवा देते तो लोग तो यही समझते ना
कि सोनाली के पिता प्रमोद ने मरवाया उसे, और खुद पकड़े ना जाओ इसके लिए सबूत भी मिटा दिया। दोनों गुंडों को रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, वो दूसरे गुंडे को मैंने मार डाला, वरना मैं पकड़ा जाता। बस में उस गुंडे को क्यों मारा था? अरे उस गुंडे को मैं क्यों मारूंगा? अरे उसे तो मैंने ही भेजा था ऋषि को मारने के लिए। मतलब माहित नहीं उसको किसने मारा। इसने अगर उस बस वाले गुंडे को नहीं मारा है तो फिर दूसरे गुंडे का खून किसने किया? बरा झालं ही दुश्मनी संपली एकदाची। इस दुश्मनी की वजह से आज हमारे बेटे की जान जा सकती थी। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखने के लिए ही तो हम लोग जीते हैं। वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों। ग्राउंड की और कितनी देर तक रुकना है हमें? बिल्कुल नहीं रुकना है, अहम सुराग हाथ आ गया है। तो क्या है बताना जल्दी। बस जिस ट्रंक से उस आदमी को चोट लगी थी, मैंने उस ट्रंक को अच्छी तरह से चेक किया, उस ट्रंक से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उनमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डाटाबेस में मैच हो गया। किसका? वो एक औरत का फिंगरप्रिंट है, उस औरत का जिसके फिंगरप्रिंट्स हमें पिछले एक साल से अलग अलग क्राइम सीन्स पर मिल रहे हैं। वो एक औरत है। पूरी उस खूनी औरत के पूरे डिटेल निकालो जल्दी। प्रमोद, मला माहित ना होता मेरा अपना भाई मेरे बेटे की जान लेना चाहता था। जो काम हम दोनों को बहुत पहले करना चाहिए था वो आज हमारे बच्चों ने कर दिखाया। ऋषि भाऊ तुझे चूक नहीं है, वो हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा था, पर अब बहुत हो गया। बस बस हल, आज से मैं बल्कि अभी से हमारी दुश्मनी खत्म करता हूँ। इतना ही थे, आज से दुश्मनी खत्म दोस्ती शुरू। चल ये इकड़े। अरे ये ना रे। साल भले। एक काम करो पूर्वी, इस औरत के बाल थोड़े लंबे करो। थोड़ा स्किन टोन जरा फेयर करो। चश्मा हटाओ, इसका चश्मा हटाओ। ये तो वही बस वाली लड़की है। जब हम लोग वहां पढ़ते तब ये लड़की वहां मौजूद थी। फिर ये लड़की खूनी है तो ये सोनाली और ऋषि को बचा क्यों रही थी? जिस आदमी का खून हुआ बस में वो ऋषि को मारने आया था और इस विनाया ने उसको मार डाला। मतलब साफ है दया, ये विनाया ऋषि को बचा रही थी मरने से, बचा रही थी ऋषि को। तो कहीं ये विनाया सोनाली को मारने तो नहीं आई थी? सोनाली की जान को खतरा है अभिषेक, सोनाली को बचाना होगा। तो बार कभी उड़वाए सर। किसने भेजा था? मुझे इस प्रिया ने बोला था सोनाली को खत्म करने के लिए। मैं ऋषि से प्यार करती थी,
इस बात का ऋषि को पता नहीं था। मैं उसको बताने ही वाली थी, तभी ये सोनाली उसकी लाइफ में आ गई और मुझे किसी भी तरह से इसको हटाना ही था। तो ये सारा प्लान सोनाली को मारने के लिए था? हाँ, मैंने ही विनायक को हायर किया था। मेरा काम था ऋषि को बचाना और सोनाली को खत्म करना, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। प्रिया, तुम ऋषि से प्यार नहीं करती थी, ऋषि को पाना तुम्हारी जिद थी और तुम्हारी ये जिद इस हद तक पहुंच गई कि तुमने विनया को कहा सोनाली को मारने के लिए। बहुत गलत किया तुमने। विनया तुम्हें और प्रिया तुम्हें भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।